नमस्ते, मैं हूं धर्मेश दर्शन। आप मुझे देख रहे हैं ऑन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट चैनल। गेस वॉज द नेम? यस, बॉलीवुड ठिकाना। बात करते राजा हिंदुस्तानी के एक सॉन्ग की, परदेसी परदेसी। क्या आपको फिल्म बनाते वक्त या फिल्म मेकिंग से पहले एक बार भी ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा हिट होगा, इतना बड़ा हिट होगा कि 7-स्टार होटल की नाइट पार्टी से लेके ये ढाबे तक में बजेगा, ट्रक तक में बजेगा? शूटिंग पे मुझे समझ आ गया था। आ गया? हाँ। रिकॉर्डिंग पे मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन मुझे लगा एज अ डायरेक्टर, शायद मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे प्यार है अपने बच्चे से, लेकिन जरूरी दुनिया अपनी चीज, मैं हर गाने में, हर सीन में, हर फिल्म में, आपके इंटरव्यू में भी मैं पूरा मेहनत करने वाला हूँ, जैसे देख रहा हूँ। जी जी, पता है। अगर कोई चीज़ 100% नहीं होती तो मैं बात ही नहीं करता, मेरा टेम्परमेंट है। उसमें मैंने गेन भी किया है, लूज भी बहुत किया। और इसमें एक और बात है जी, इंडियन म्यूजिक की जो ताकत है, बता दी कि वो कोई भी जमाना हो, द ब्यूटी ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, रावण हत्ता। रावण टाणं 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 टाणं, क्या बात, एक यूनिक जी जी बिल्कुल। टाणं 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 टंग टंग टाणं टंग टंग टाणं टंग टंग टंग, क्या। अब उसमें एक वो बहुत अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट है, जनरली फिल्मों में इतना यूज नहीं होता। रावण हत्ता भी लुफ्त हो रहा है बॉलीवुड से, बिल्कुल। लेकिन ये लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो क्लासिकल शोज में यूज होता है। लेकिन हमने म्यूजिक डायरेक्टर्स जी ने, श्रवण जी ने बोला कि इसको हम ऑर्केस्ट्राइजेशन में यूज़ करें, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मिक्सिंग में भी मैंने उसको ऊंचा रखा, और आज की डेट में भी लोग पता नहीं इंस्ट्रूमेंट क्या है लेकिन उसको महसूस कर रहे हैं। तो ये तो प्योरली इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, आई थिंक राजस्थान का इंस्ट्रूमेंट 100% राजस्थान जी। तो आई थिंक परदेसी की वो। नमस्ते, मैं हूँ धर्मेश दर्शन, आप मुझे देख रहे हैं ऑन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट चैनल। गेस वॉज द नेम? यस, बॉलीवुड ठिकाना।